देखो, स्कोडा ने आज ऑफिशियली अपनी अपकमिंग मिडसाइज सेडान कार स्लेविया को अनवील कर दिया है इंडिया में और इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी है। ये एक मिडसाइज सेडान कार होने वाली है, तो इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में होंडा की सिटी के साथ रहेगा। इसके अलावा हुंडई की वेरना के साथ ये कम्पीट करेगी और मारुति सुजुकी सियाज के साथ इसका मुकाबला रहने वाला है। तो यहाँ पर स्कोडा भी रेडी है अपनी अपकमिंग सेडान कार को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। हालांकि स्कोडा कंपनी ने इस कार को MQB A0 IN इस प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है और सेम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको स्कोडा की कुशक और वोक्सवैगन की टाइगन के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि स्कोडा रैपिड का अब क्या होगा। आपको बताना चाहूंगा, स्कोडा स्लेविया को स्कोडा रैपिड की जगह इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, यानी स्कोडा रैपिड को अब इंडिया से डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो स्लेविया की लेंथ है 4541 mm की। इसके अलावा इसकी वेट 1752 mm की है। वही इसकी हाइट 1487 mm की है। इसके अलावा कंपनी ने इसके अंदर 2651 mm का व्हील बेस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर डायमेंशंस आपके सामने है और जो फर्स्ट जनरेशन ऑक्टेविया थी उसके मुकाबले स्कोडा की स्लेविया थोड़ी सी बड़ी है, तो डायमेंशंस उसके थोड़े से बड़े हैं। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो स्लेविया के अंदर दो इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे और दोनों ही आपको टर्बो इंजन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि लगभग 113 BHP की पावर आउटपुट और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो कि लगभग 148 BHP की पावर आउटपुट और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये दो इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे। 6-speed manual transmission और 6-speed automatic gearbox का option दिया जाएगा और top model के अंदर 7-speed DSG gearbox का option भी दिया जाएगा। वही स्लेविया के अंदर 3 variants दिए जाएंगे, जैसे कि एक्टिव हो गया, इसके अलावा ambition और स्टाइल। तो ये 3 variants हमें देखने को मिल जाएंगे स्कोडा की इस कार के अंदर। अगर एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो इसका जो एक्सटीरियर है काफी हद तक कमाल का है। कंप्लीटली न्यू डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा इसके एक्सटीरियर में। इसका फ्रंट फीचर भी काफी हद तक कमाल का है दिखने में और रियर से ये काफी हद तक जबरदस्त दिखती है। सबसे अट्रैक्टिव चीज है इसके एक्सटीरियर में वो है इसका लाइटिंग सेटअप। स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस या फिर इमेजेस आप देख सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने एल शेप में DRL का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अंदर कंपनी ने सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जिसके सराउंडिंग में क्रोम फिनिशिंग आप देख सकते हैं। काफी शार्प एजेस आपको इसके बोनट के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कंपनी इसके अंदर 16 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील देगी। वही बॉडी कलर के ORVMs भी इसके अंदर दिए जाएंगे। इसका रियर फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव इसका टेल लाइट का डिजाइन है। सी शेप में इसका टेल लाइट डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। वही इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इसका इंटीरियर का थीम ड्यूल टोन कलर के साथ रखा हुआ है और इसका डैशबोर्ड भी काफी तक नीट एंड क्लीन है। इसके अलावा इसके अंदर 2-spoke मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत ही स्पोर्टियर लगता है वो। और इसके ऊपर आपको कंट्रोल्स भी मिलने वाला है। वही ड्राइवर के लिए 8-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाएगा जिसके तहत बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए 10-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल हमें स्लेविया के अंदर देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप इमेज या फिर वीडियोस देख सकते हैं। वही इसके सीट्स और अपोस्टी के ऊपर हमें लेदर की ट्रीटमेंट देखने को मिल सकती है और इसके जो फ्रंट के सीट्स रहेंगे वो वेंटिलेटेड सीट्स दिए जाएंगे। तो ये भी कमाल का फीचर स्लेविया के इंटीरियर में दिया जाएगा। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, सनरूफ भी इसके अंदर दिया जाएगा और अच्छे खासे फीचर्स हमें स्लेविया के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो सेफ्टी का भी बहुत ही ध्यान रखा गया है इस कार के अंदर। जैसे कि इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर आपको मिलने वाला है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और बाकी के सेफ्टी फीचर्स इस कार के अंदर दिए जाएंगे। वही अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो स्कोडा कंपनी इस कार को फेब या फिर मार्च के महीने में इंडिया में लॉन्च करेगी, यानी इसकी जो कीमत रहेगी वो फेब या फिर मार्च में सामने आ जाएगी। लेकिन इसके बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको इस कार को बुक करना है तो आप नियर बाय स्कोडा के शोरूम में विजिट कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और रही बात कीमत की तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगभग 8 या फिर 9 लाख रुपए से इसके बेस मॉडल की कीमत स्टार्ट हो सकती है। इसका टॉप मॉडल 14 या फिर 15 लाख रुपए तक चला जा सकता है। आपको क्या लगता है स्कोडा के इस सेडान कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं वीडियो देखते हैं चुप कर लेकिन यार लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।